ओम मनोजपम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज, अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, यानी कि जीवन की प्रत्येक बाधा और संकट को दूर करने में हनुमान जी महाराज हमेशा आगे रहते हैं, अग्रगणी रहते हैं और हर प्रकार से अपने भक्त के लिए सब प्रकार के उसके मार्ग को वह बड़ा सरल और सुगम कर देते हैं। ऐसे देवता हनुमान जी महाराज माने गए हैं। हनुमान जी महाराज के विशेष रूप से कार्य सिद्धि के लिए, यानी कि कार्य में आने वाली बाधा को रोकने के लिए, दूर करने के लिए, अगर किसी भी प्रकार के कार्य में आपके अगर बाधा आ रही है, बार बार होते होते कार्य अगर रुक जाता है, तो ऐसे समय में हनुमान जी के इन साबर मंत्रों का उपयोग किया जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जल्दी सिद्ध होते हैं और अपना प्रभाव भी जल्दी दिखा देते हैं। हनुमान जी का साबर मंत्र मंगलवार के सायंकाल में सिद्ध किया जाता है। हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला, लाल पुष्प, लाल प्रसाद और लाल ही कनेर के पुष्प आप लेकर के जाएं और अपने साथ में एक तुलसी या चंदन की माला साथ लेकर के जाएं और लाल ही आसन पर बैठ करके उसके पश्चात में मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ इसकी मात्र एक माला आपको करनी है और नित्य 7 मंगलवार को ये प्रयोग आपको करना है और इसके दरमियान ही आप देखेंगे कि आपके कार्य माने आने वाली बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाएगी। चाहे संकट हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा विपत्ति क्यों ना हो, वो टल जाएगी, दूर हो जाएगी और जिस कार्य में आपके बाधा आ रही है वो कार्य भी अवश्य पूर्ण हो जाएगा और आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह हनुमान जी महाराज का बड़ा ही ताकतवर और सिद्ध साबर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी का चेला अंजनी को लाल। इस प्रकार से यह साबर मंत्र है और साबर मंत्र ग्रामीण भाषी होते हैं और मंत्र के प्रणेता की शक्ति से प्रस्फुरित होकर के मंत्र कार्य करता है और अतिशीघ्र साबर मंत्र सिद्ध होता है। इस मंत्र को मंगलवार को नित्य एक माला करने पर आपके कार्य में आने वाली बाधा दूर होगी और हनुमान जी महाराज कई प्रकार की वार्ता से भी साधक को सूचित करते हैं, क्योंकि ये मंत्र हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए है। इससे भूत भविष्य वर्तमान काल का भी जो व्यक्ति अगर इस मंत्र को एक मास तक नित्य 11 माला करता है तो उसे स्वप्नावस्था के दौरान भूत भविष्य वर्तमान काल की कई तरह की बातें मालूम पड़ जाती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।